जो इस गांव के हैं उनको भी मेरा जय जोहार। मैं बस्तर से हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मैं जय जोहार कहूँगी। और प्रिय बच्चों, एक छोटा सा नाटक मेरे जीवन में जो अभी चल रहा था, मुझे आंसू आ रहा था। सच कहूँ ये आज आप लोगों के लिए हंसी है बेटा, पर आगे यही हमारा भविष्य है, क्योंकि हम एक लड़की हैं। ये हर एक लड़की के साथ होता है, खासकर गांव में भी होता है, शहरों में भी होता है। कोई गांव और शहर की बात नहीं है। मैं शहर में पली बड़ी हूँ और गांव में रहती हूँ, तो लोगों का जो मेंटली होता है वो इसी तरीके से होता है। मैं अपनी जर्नी आप लोगों को कहानी सुनाने से अच्छा है कि मैं इसी टॉपिक पे बात करूँ जो आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि मेरी माताएं भी हैं यहाँ पे, पिता स्वरूप, भाई स्वरूप, साथी लोग भी हैं, तो वो भी मुझे सुने। अच्छा लगेगा तो अच्छी बात है, और नहीं अच्छा लगेगा तो हमारी ही अच्छी बात है, क्योंकि हम एक लड़की हैं। वेरी गुड। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, मैं जगदलपुर में जन्म लिया है और अभी मैं टाकरागुड़ा में रहती हूँ। मेरे पापा नहीं हैं, मेरी मम्मी हैं और मेरे दो भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा, एक मैं बीच में हूँ। तो ये जो नाटक था, ये जीवन का सबसे बड़ा रोल है बेटा। क्या होता है कि ना, लड़की और लड़के में भेदभाव होता है। मेरे पापा नहीं हैं, पापा पुलिस फोर्स में थे। जो बचपन का जुनून होता है वो आपके अंदर ही पहले से है, उसे कोई दिखा नहीं सकता, उसको आपको ही दिखाना पड़ता है। अभी दो बच्चे डांस के बोले, हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया था। मंच मिला, यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये प्रैक्टिस नहीं, यही आपकी चुनौती है कि हमें अच्छा करना है, ठीक है? तो उन्होंने चुनौती लेके गया ना, तो एक बार उन लोग के लिए तालियां हो जाए। मैं जिस तरीके से आप लोगों को बता रही थी, दो भाई के बीच में एक अकेले ना, तो बचपन में क्या हुआ, पापा के जाने के बाद, माफी चाहूंगी मेरी कहानी थोड़ी लंबी होगी, तो सुनिएगा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चों के सीख की बात है। तो मैं जब छोटी थी, पापा नहीं थे और मम्मी का कहना था कि मैं लड़की हूँ और मेरे दो भाई लड़के हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि हम भेदभाव क्यों कर रहे हैं। तो हमारा जो समाज है, बच्ची जो होती है वो जल्दी से काम काज में लग जाए। लड़के अगर खेल रहे हैं तो अच्छी बात है, पर लड़कियां खेलती हैं तो 10 टन बात होती है ना। तो होता है, सभी जगह होता है, क्योंकि वो समाज का काम नहीं है, वो किसी चीज़ों का काम नहीं, वो हमारी मेंटली, हम मानसिक रूप से ऐसा सोचते इसलिए कि औरत ही काम करेगी, लड़की ही काम करेगी। क्यों पुरुष काम नहीं कर सकते, लड़का काम नहीं कर सकता? क्यों वो ऑफिस का काम करे, बाहर का काम करे, खेत का काम करे, लड़कियां नहीं कर सकती क्या? तो यही मुद्दा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं 10-11 साल से इसी मुद्दे पे लड़ रही हूँ। आज जिस तरीके से एक छोटे से मंच में आप लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आज एक छोटा सा संदेश सभी को दिया, उसी तरीके से मैंने आज तक 17 से 18 पहाड़ चढ़ चुकी हूँ और विश्व की 2 ऊंची चोटियां फतह किया है, जो एक साथ किया है उस पे भी मेरा संदेश यही था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी किसी से नहीं है कम, बेटी को मिलेगा देश से दम, ठीक है? बेटी से ही देश को दम मिलेगा। तो मेरी जो जर्नी हुई थी पापा के जाने के बाद, मेरी मम्मी बहुत नर्वस भी थी, क्योंकि जो औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो कुएं की मेंढक ही होती हैं, क्योंकि उनको ससुराल में क्या मिलता है वो बात की बात है, पहले तो वो मायके में ही होती है ना। अब मायके में क्या होता है कि बच्चियों को किस कैसा देखा जाता है, उनको फ्रीडम मिलता है नहीं मिलता है, ज़्यादा खेलने देते हैं नहीं देते हैं, फ्रॉक और सूट में दबा देते हैं, ये चीज़ें होती है, हर जगह पे होती है। लेकिन जो आपका टैलेंट है उसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे आपके समक्ष मैं खड़ी हूँ, आज मुझे बहुत लोगों ने रोका होगा टोका होगा, लेकिन आप लोगों के बीच से मैं निकल के मैं आप लोगों के समक्ष खड़ी हूँ। आज मुझे ये माइक हाथ से मिला है। तो जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, एक छोटा सा सोच था कि मुझे कुछ करना है। मैं 3rd क्लास में थी और मुझे डांस का बहुत शौक था, बहुत शौक था। नाट्यकला मेरा स्टार्टिंग जर्नी था, 3rd क्लास में मैंने नाट्यकला स्टार्ट किया। तब उस समय बहुत कम लोग होते थे जो नाटक जानते थे, गांव के लोग तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा और क्या बोलते हैं दादा, वो जो ऑर्केस्ट्रा के नाट नाट ही छोटा है ना, नाट नाट कहते हैं गांव में जो होता है, जब किसी के यहाँ दुख हो या किसी की खुशी होती है तो वहाँ पे नाट होती है।
लेकिन ये जो कला है वो मंच का कला होता है, वो भी कला मंच का कला होता है, लेकिन उसे गांव तक सीमित कर दिया जाता है। पर ये जो कला है वो आज टीवी चैनलों में देखेंगे, जगह जगह पे आपको देखने को मिलता है। तो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जब मैंने स्टार्ट किया तो कई लोगों ने मेरी मम्मी से बोला कि बिन बाप की बच्ची है उसे क्या सिखा रहे हो। एक छोटा सा सोच मेरी मम्मी के दिमाग में घर कर गया, हाँ वाकई में बिन बाप की बच्ची है और ये क्या कर रही है। मैंने कुछ समय नहीं बिता था, फोर्थ और फिफ्थ क्लास आते तक मैंने अपना ट्रैक चेंज कर लिया, मैं मुझे डांस करने का चस्का लग गया। जब मंच मिला और मुझे डांस करने का मौका मिला, अभी एक खुशबू नाम की लड़की डांस कर रही थी, है ना हमारी बहन, तो उसका जो डांस था वो मंद मुक्त डांस था। वो नहीं देख रही थी मेरे पीछे कौन बैठा है, मेरे सामने कौन बैठा है, वो इंजॉय कर रही थी। तो वो होता है एक प्लेटफॉर्म मिला है बेटा, आप उसे फुल टू इंजॉय कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है कब कहाँ कौन सा ट्रैक मिल जाए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो उसी तरीके से मुझे वो डांस करने का मौका मिला, और काफ़ी अच्छी बात बताती हूँ, जब मैंने पहला डांस किया तो एक छोटा सा ट्रॉफी मिला था मुझे, ट्रॉफी समझते हैं ना, छोटा सा शील्ड। उस शील्ड से मेरी एक ललक बढ़ गई थी, अंदर की लालसा बढ़ गई थी कि ऐसी ट्रॉफी मैं और दूसरे मन से भी ला सकती हूँ। तो मेरे मन की लालच जो थी वो सिर्फ एक ट्रॉफी का था, कि मुझे नहीं मालूम था इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। ट्रॉफी मिली और मैं अपने कदम आगे बढ़ाते हुए जाना चाहती थी, पर किसी ने फिर से मेरी मम्मी को आके बोल दिया कि आपकी बेटी मंच पर डांस करने लग गई है, नचवाओगे क्या। तो वही बात मेरी मम्मी ने मुझे साइलेंट से कहा कि बेटा लोग ऐसा कहते हैं बिन बाप की बच्ची है, अगर आप ऐसा करोगे तो अच्छी बात है क्या। तो मैंने सोचा कि हाँ वाकई बात है, कि अगर मम्मी को बुरा लग रहा है तो मेरे लिए भी बुरी बात है ना, अगर मेरे कारण मेरी माँ हताश हो रही है। ये हो गया फिफ्थ क्लास तक का मेरा सफ़र, और सिक्स सेवन्थ में मैं स्काउट गाइड से जुड़ी, और नाइन्थ में, और मैंने स्टार्ट कर दिया गेम खेलना। फिफ्थ के बाद मैंने सेवन्थ एट्थ हॉकी स्टिक उठाया, घर से सूट दो चोटी डाल के जाती थी, पर ग्राउंड में ऐसा होता था कि हमें शॉर्ट्स पहन के स्टिक पकड़नी होती है, लालबाग ग्राउंड जगदलपुर का फेमस ग्राउंड है। तो उस ग्राउंड पे किसी ने देख लिया कि बेटी शॉर्ट पे खेल रही है, उस बात के लिए भी कमेंट्स हुए। तो मेरी मम्मी ने फिर वही बात दोहराई, तो मैं उस समय इतनी सक्षम नहीं थी कि मैं अपनी मम्मी की मानसिकता चेंज करूँ। आज मेरी मम्मी आने की थी, अगर आती तो शायद मुझे डांटती तो मैंने वो चेंज किया, क्योंकि ये आप में है बेटा कि आप लोग अगर चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आपको एक ट्रैक सही पकड़ना होगा। उसी तरीके से वो हॉकी भी छोड़ दिया, फिर नाइन्थ में मैंने स्काउट गाइड ज्वाइन किया, 3 साल परेड किया, 11th आते तक मैंने NSS ज्वाइन किया, और 11th तक तो मैंने नेशनल प्लेयर रही, जूडो कराटे रेसलिंग बैडमिंटन मैंने खेला है, नेशनल मैं जूडो खेली हूँ, फ्री टाइम नेशनल प्लेयर हूँ मैं, कराटे स्टेट खेला, जूडो नेशनल खेला, बैडमिंटन स्टेट खेला, रेसलिंग कुश्ती स्टेट खेला। तो ये जो थिंकिंग थी मेरी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। जब मैं 11th क्लास में थी, आप लोगों की तरह NSS की एक स्टूडेंट रही मैं, सेविका रही मैं, तो जो सबसे पहला कैंप लगा था जगदलपुर में पंडरीपानी में, तो पंडरीपानी में एक कैंप लगा था, तो मेरी मम्मी मुझे कभी घर से बाहर जाने नहीं दी, जैसे स्कूल से घर, घर से स्कूल, बस इसने ही मेरे एरिया था, दायरा था, और घर के काम और पढ़ाई। तो मेरा एक लक्ष्य था कि मैं भी उड़ना चाहती थी, मैं भी सपने देखने लगी थी, उड़ना चाहती थी, बिना पंख के इंसान कैसे उड़ेगा। तो जो कैंप में ये ट्रैक्टर है ना, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण है कि ट्रैक्टर में बैठ के डोंगरी पे जाना है, कैसा लगा सुन के? बहुत अच्छा। आपको डोंगरी बोलने से समझ में आएगा? नहीं आएगा ना, तो आ गया ओत तेरी, आ गया मतलब सॉरी उस समय मुझे समझ नहीं था। तो हमारे यहाँ क्या होता है, पहाड़ जो होती है वो रौकीला पहाड़ होती है, चट्टान होती है, नारायणपुर में बहुत सारे पहाड़ मैंने विजिट किया है, तो उसको यहाँ के लोकल लोग डोंगरी ही कहते हैं। तो डोंगरी मतलब पहाड़, और हम अगर माउंटेन्स कहते हैं वो भी पहाड़ी होता है, लेकिन वो बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ होते हैं। यहाँ के पहाड़ समथिंग 800 मीटर 1000 मीटर इनफ इनफ होते हैं। छत्तीसगढ़ में 12 पहाड़, मतलब 1212 मीटर का पहाड़ है, और इससे ज़्यादा ऊंचा पहाड़ नहीं है छत्तीसगढ़ में। पर छत्तीसगढ़ के बाहर हमारे इंडिया में 7000 मीटर का, 7000 प्लस मीटर का माउंटेन्स काफ़ी सारे हैं, जो पहाड़ की बात हो रही है।
तो डोंगरी तोड़ने जाना है, डोंगरी चढ़ने जाना है और हम ट्रैक्टर में, मैं कभी गाड़ी में नहीं सफर की, मुझे ऐसे पेड़ घूमते थे देखते देखते। अभी आप लोगों को एक्सपीरियंस कराऊंगी और आप लोग उस चीज में जी के देखिए, तब पता चलेगा कि असल जीवन क्या होता है। जब मैंने ट्रैक्टर में बैठा, मतलब मेरा जो कंडीशन था, उथल पुथल पेट के अंदर से, वॉमिटिंग होना, सर घूमना, आजू बाजू देख रहे तो सारा घूम रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, समझ में ही नहीं आया। जैसे हम एक चट्टान के पास जाते हैं और देखा कि खड़ा चट्टान है, अरे वाह, मैंने तो अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि मैं तो कभी घर से रोड ही देखी ना, सड़क में चलना है, सड़क से आ जाना है। और जब देखा कि छोटा सा पहाड़ है और उसे तोड़ के, जो नीचे के तोड़ के, हमको एक मंच बनाना था, पंडरी पानी का चबूतरा बनाया हम लोगों ने, तो छोटा छोटा स्टोन जोड़ के हम लोग लाए। और मुझे एक ख्याल आया, तोड़ते तोड़ते इकट्ठे कलेक्ट करना, तोड़ना इन द सेंस हम पहाड़ को नहीं तोड़ सकते, पर उसके नीचे के काफ़ी तोड़ के हम इसके ईंट पत्थर चूना से जोड़ के एक चबूतरा बनाते, जैसे ये मंच है उसी तरीके से हमने बनाया और काफ़ी श्रेय मिला, काफ़ी अच्छा लगा। आज हम इस गांव में एक कैंप अटेंड किया है 7 डेज का, और हमें इस गांव वाले ने काफ़ी कुछ दिया ना, तो हमें भी तो कुछ गांव वाले को देना चाहिए ना, तो हमने वो चबूतरा बना के दिया था उस कैंप में। और सबसे पहला कैंप था मेरा वो आफ्टर खेल के। उसके बाद जब मैं कॉलेज पहुंची, तो मेरे मन में एक मुद्दा था कि मैं जूडो नहीं खेलना चाहती थी, खेलना चाहती थी मैं, एक अच्छी प्लेयर बनना चाहती थी, लेकिन जो मेरे साथी साथ के थे वो सारे कोच थे। मैं भी स्टूडेंट सेल्फ डिफेंस क्लासेस लेती थी, बच्चियों को देती थी, पर मुझे ना ऐसा था कि अंदर से सुकून नहीं था, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे नहीं मालूम था इतना अलग कर लूँगी, पर मुझे अलग करना था। तो उसी तरीके से जब मैं कॉलेज आई, कॉलेज का फर्स्ट ईयर था, जैसी कैप्टन साहब आपके सामने खड़ी हैं वैसी मैं भी कैप्टन हुआ करती थी, और सबकी दादा होती थी मैं, जैसे कोई लड़का बोल दिया ले, शुरू हो जाती थी, मारपीट कर लेती थी, मतलब इतनी भयंकर लड़की थी मैं। तो वो जो सीनियरिटी थी वो एक्चुअल में आपके पास उइके सर हैं, ऐसे मेरे पास एक गुरु थे सर, अगर जानते होंगे तो बघेल सर, विजय बघेल, जो दिवंगत हो चुके हैं जी, वो ऐसे इंसान थे, उन्होंने मुझे एक नज़र में देखा और बोले ये लड़की कुछ तो करेगी। तो वही होता है कि हमारे गुरु के सामने हम दिख जाते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, तो वो हमेशा हर चीज़ में मुझे आगे कर देते थे कि पूरा टीम संभालना है, ले संभाल, पूरा डायरी संभाल, ले संभाल। तो मैं एक जिम्मेदारी लड़की थी, घर से भी जिम्मेदारी और स्कूल में भी था, 1500 लड़कियाँ थी, मैं कैप्टन रही 1500 गर्ल्स की, तो उस बीच में भी मैं जिम्मेदारी में ही रही, कॉलेज आई तो भी जिम्मेदारी में रही, तो मैं अपने लाइफ को नहीं समझ पा रही थी कि मुझे करना क्या है। तो असल ज़िंदगी मेरी शुरू हो चुकी थी, और मैं फर्स्ट कैंप 2010 में हिमाचल का अटेंड की NSS के थ्रू। बार बार NSS को दोहराऊंगी क्योंकि NSS ही मेरी लक्ष्य, मेरा मुद्दा, मेरा सब कुछ है। तो 2010 हिमाचल में 7 दिन का कैंप था, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग, बेसिक कोर्स होता है रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ पे चढ़ना कैसे है, उतरना कैसे है, सेफ्टी कैसी होती है। एक दिन ऐसा हुआ, मेरे लंबे काफ़ी बाल थे, जैसे मेरे हाथ है ऐसे मेरे लंबे बाल थे, तो मैं हमेशा एक चोटी करके टी शर्ट के अंदर बाल दबाया करती थी पीछे से। तो सर जो थे, मैं चाहती थी कि जो हमें सिखाता है वो हमें डांटे, हमें मारे, हमें समझाए, तभी हम एक्स्ट्रा चीज़ें सीख सकते हैं, ये मेरी सोच थी उस समय। तो सभी को डांटते थे, समझाते थे, ये मत करो वो करो, सबको ऐसा फटकार मिलता था, मुझे नहीं मिलता था। तो मैं सोचती थी कि मैं गलती करती हूँ या नहीं करती हूँ, तो मैं कंफ्यूज थी। तो जब भी मैं ऊपर चढ़ती थी तो सर कहते थे, भूपेंद्र सर हैं हिमाचल से, तो वो कहते थे, नैना अपनी चोटी फेंको, ये सारे लोग रोप में आ जाएंगे। तो रोप मीन्स रस्सी, और चोटी को मेरी रस्सी समझते थे कि सारे लोग चढ़ जाएंगे, मुझे ये नहीं मालूम था। उनका एक छोटा सा उल्लाना था, किसी और डेडिकेट करते थे वो मुझे। और वैसे ही वो कैंप अटेंड करके जब मैं वापस आई, तो हिमाचल पहुंचने में मुझे बहुत तकलीफ हुई। जैसे मैंने बताया ना, ट्रैक्टर से बैठ के जब मैं एक 7-8 किलोमीटर का जब ट्रैक किया, मतलब गए डोंगरी पे, वैसे हिमाचल से जैसे पहुंचते हैं शिमला से, नारकंडा एक प्लेस है, आप जाते तक मतलब अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरी बॉडी अस्त व्यस्त हो जाती है, इतनी घाटियाँ हैं। जैसे हमारे केसकाल घाट सभी लोग सुने होंगे, उससे भी भयंकर घाटियाँ होती है पहाड़ों पर। वापस आने के टाइम में मुझे एक ख्याल आया कि मेरा एक घर होना चाहिए, वो पहाड़ों में होना चाहिए, पहाड़ी लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, और मुझे कुछ अलग करना है। वो कीड़ा जिस्म के अंदर आ चुका था। मैंने घर आते ही बैग पटका और मम्मी की तरफ देखा, और मम्मी ने मेरी तरफ देखा, तो मैं सक्षम नहीं थी वो चीज़ें बोलने के लिए कि मुझे ये करना है, क्योंकि मैंने सिर्फ ये उठाया था बीड़ा कि मुझे कुछ अलग करना है, मेरे अंदर की जुनून थी।
अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, सेकंड ईयर में आ चुकी थी मैं। फाइनल ईयर आते तक मुझे ऐसा हो गया कि मुझे जॉब भी चाहिए और पढ़ाई भी चाहिए, तो मैंने मम्मी से कुछ नहीं बोला, मेरी मम्मी ही मेरी सब सुनती हैं, भाइयों से मैंने कभी बोला नहीं, ना भैया से बोला। तो मैं मम्मी से बोली कि मम्मी मुझे पढ़ना भी है आगे, तो करूँ क्या समझ नहीं आ रहा। तो मम्मी ने बोला पार्ट टाइम को जॉब कर ले और साथ में पढ़ भी ले। तो मैंने टाटा स्टील जब लौंडीगुड़ा में डलने वाला था वहाँ पे मैंने इंटरव्यू के लिए गई थी, तो वो लोग हमारे यहाँ की गाड़ी चलती थी, तो वो लोग मुझे देखते थे, ऑब्जर्वेशन में रखे थे कि एक होती है ना चंचल एक्टिव बच्चा, कोई भी किसी भी लोगों को समझ में आता है कि बहुत बच्चा एक्टिव है, चतुर है, ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं, तो वैसे ही शायद वो लोग समझते थे। मेरी रूटीन थी सुबह 4 बजे उठना, बच्चों के पास जाना, स्कूल टीचर भी रही मैं, हाजर स्पोर्ट टीचर। तो सर मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए, जॉब के साथ मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, अपना रिज्यूम ला के छोड़ दीजिए, फिर देखते हैं। और मैंने अपना रिज्यूम जो पूरा बायोडाटा जितना पढ़ा था वो सारा लेके गई, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था। और दूसरे दिन उन्होंने बोला कि हम आपको कॉल करेंगे, आप आइएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मन उत्सुक भी था और उदास भी था, अगर मिल जाता तो शायद मेरी पढ़ाई भी पूरी हो जाती, और नहीं मिलेगा तो शायद मैं दुख भी थी कि पढ़ाई के लिए मैं पैसे कैसे एडजस्ट करूँगी। तो उस तरीके से मैं जब सर के पास वेट करी थी दूसरे दिन, तो एक कॉल आता है, बहुत बहुत खुशी थी मुझे उस दिन, पर कॉल में एक ऐसा शब्द था कि मैं हाँ करूँ या ना समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे बोला कि नैना आप ऑफिस आ जाइए, टाटा स्टील की ऑफिस लौंडीगुड़ा में थी, मैं जगदलपुर से लौंडीगुड़ा आई, पता चला कि आपने हिमाचल का कैंप अटेंड किया है, माउंटेन्स के बारे में कुछ जानते? मैंने कहा हाँ, पहाड़ के बारे में मैं जानती हूँ, मैंने 7 दिन का कैंप अटेंड किया है, बेसिक सारा मुझे नॉलेज है। तो उन्होंने बोला कि एक कैंप में जाना है 1 महीने का, बट आपकी मम्मी जाने देंगी या नहीं वो आपको पूछना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये जीवन का सबसे अच्छा मोड़ था मेरे लिए। आप लोगों ने बछेंद्री पाल मैम का नाम सुना है, जो हमारी भारत देश की पहली पर्वतारोही है, एवरेस्टर है, वो बछेंद्री पाल मैम है। उनका कॉल आया था टाटा स्टील में, और टाटा स्टील का कॉल आया था मुझे कि बस्तर से एक ऐसी बालिका चाहिए जो हमारे साथ इस अभियान में शामिल हो सके। और उस समय मैं मात्र 17-18 साल की थी, और उतना दिमाग भी नहीं था किसी चीज़ में, और जो हमारे टीम में थे वो बहुत सॉलिड थे, जब 25 के 35 के 40 के 45 के 50 के एज के जो लोग होते हैं उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो वो सारे माउंटेनर्स थे, और हर क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्र से महिलाएं थी, हर जाति की थी। कहते हैं ना कि रूढ़ीवादी जाति है समाज है, ये नहीं है, रूढ़ीवादी हम बन रहे हैं या बना रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। तो उनमें से सारी ऐसी भी महिलाएं थी, सारे एक्सपीरियंस थी, मैं सबसे छोटी थी। हम तो चले गए, मम्मी से रिक्वेस्ट किया कि कैंप जाना है मम्मी, जैसे एनएसएस का गया था ना वैसे ही, 7 दिन का होगा। बैग उठाया, दूसरे दिन पैकिंग किया, निकल लिया दिल्ली के लिए। अब जो लड़की यहाँ से पंडरीपानी चली थी, जो लड़की अब ट्रेन नहीं देखी थी, वो सीधा दिल्ली पहुँच जाती है अकेले। तो जो दिल्ली का सफ़र था, अमेजिंग सफ़र था, क्योंकि जब पहली बार बच्चों को ट्रेन दिखाया जाता है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जैसे हाथी देख लिया पास में। तो मैंने जो पहला गलती किया था, मुझे ट्रेन पकड़ना था कहीं और का, और मैंने कहीं और ट्रेन पकड़ लिया। तो बैड एक्सपीरियंस, बुरा होना भी ज़रूरी है लाइफ के लिए, अगर शायद वो नहीं होता तो शायद आज मैं सीधी पटरी में दौड़ती नहीं। तो मैंने ट्रेन पकड़ लिया चेन्नई एक्सप्रेस, और मैं कुछ रास्ते से चली गई, आगे दिल्ली जाना था, चेन्नई एक्सप्रेस को पकड़ लिया। घने जंगलों के बीच जिस बोगी में बैठा था, उस बोगी में इतने सारे जेंट्स थे कि मैं मुंडे उठा के ऐसे देख भी नहीं पा रही थी, मैं किसको पूछूं कि जा कहाँ रहा है ट्रेन, और मेरी सीट भी मेरी नहीं, टिकट हाथ में है पर ट्रेन मेरा नहीं है। देखा जंगल खत्म ही नहीं हो रहा, 1.5-2 घंटे हुए खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने किसी से बोला भाई ये ट्रेन कहाँ जा रहा है, उन्होंने मुझे हंस के जवाब दिया आपको जाना कहाँ है, मैंने कहा मुझे तो दिल्ली जाना है, बोली ये तो चेन्नई जा रही है। मैं बस बैग पकड़ी और खड़ी हो गई, मेरी बैग की वेट जो होती है 30-35 kg का होता है, 30-35 kg का उठा मैंने, और मेरे आँख से धर आंसू, क्योंकि मैं तो पहली बार निकली थी ना, मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो मैंने उनसे बोला कि ये ट्रेन कैसे रुकेगी, रुकवा दो, मुझे दूसरे ट्रेन में जाना है, मैं तो गलत जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर हम ये चैन पुल करेंगे तो हम लोग को सबको फाइन लग जाएगा, हम नहीं खींचेंगे। मैंने कहा दूसरी ट्रेन खड़ी है, आप पुल करो, मैं कूद जाऊँगी, जैसा होगा देख लेंगे। उन्होंने किसी ने पुल किया और मैं चलती ट्रेन से जंप मार ही दी,
मेरी गलती ऐसे करनी तो नहीं चाहिए थी, और मैंने मार दिया। ऐसी ट्रेन रुकी उससे पहले मैंने, क्योंकि दूसरी ट्रेन निकलनी थी, दो पटरी के स्टेशन के बाद चौथी पटरी पे वो दूसरी ट्रेन थी जो दिल्ली की तरफ जा रही थी, और मुझे वो ट्रेन लेनी थी, नहीं तो वो मैं तो उसी दिन 7:30 बजे रात की क्या करती जंगल में अकेले। जंप लिया, वो ट्रेन पकड़ा, वो ट्रेन में जिसको पकड़ा ना, आपने वो मूवी में देखा ना जो शाहरुख खान ऐसे ऐसे हाथ पकड़ कर काजल दौड़ते रहती है, बस वही वाला कहानी हो रहा था। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि क्या हो रहा है, मैं वो बैग दूं या हाथ दूं। 35 किलो का बैग लेके मैं दौड़ रही हूँ, उसको क्या दूं समझ में नहीं आया। और जब मैंने बोला भाई तू नीचे उतर जा, मेरा बैग लेके चढ़, जब मैंने बैग तो रख दिया, वो चलती स्टार्टिंग ट्रेन में उसने मेरा बैग ले लिया, पता नहीं कोई था, फरिश्ता ही था मेरे लिए। और जब मैं उस ट्रेन में चढ़ी तो मेरा गला बहुत सूख रहा था, और किस्मत ऐसी जिस बोगी में बैठी थी वो जनरल बोगी था, किसी के पास पानी नहीं था। तो दिल्ली की जर्नी मेरी ऐसी हुई। और जब मैं दिल्ली पहुंची, हालांकि बाद में सही ट्रेन पकड़ लिया था, तो दिल्ली पहुंचते सबसे पहले मैं बचनी पॉल मैम से मिली। जैसे अभी उइके सर बता रहे थे कि बहुत उत्सुक हैं आप लोग मुझसे मिलने के लिए, कैसा लग रहा है? तो इससे कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे उस टाइम लग रहा था, क्योंकि आप लोग इतने सारे, उस समय तो मैं अकेली थी ना, तो स्पेशल से जब मिलना होता है तो अच्छा ही लगता है। तो मैं बचनी पॉल मैम से मिली, वो बैठी हुई थी, और मैं जैसी, मतलब हम सोचते हैं कि हमारा पसीना खराब है, हमारे शरीर से बू आ रही है, हमने 2 दिन से नहाया नहीं है, ये मैटर नहीं करता बेटा, ये मैटर कभी नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप में किस चीज़ की उत्सुकता है, वो दिखती है। मैं बैग उतारी नहीं थी, मैम ने मुझे हग कर लिया, और वही फीलिंग थी जैसे मैंने चोटी को छू लिया। तो ये मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी, और मैं सबसे पहले 2011 में छत्तीसगढ़ की प्रथम पर्वतारोही, इंटरनेशनल पर्वतारोही, जो भूटान की 12 पास होती है, 12 चोटियों को हम लोगों ने फतह किया, जिसमें इंडिया के 12 वुमेन्स थी, जिसमें यही मुद्दा था, बेटियों के लिए ही मुद्दा था, और मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2011 का। वो सबमिट किया, जब हम लास्ट चोटी को फतह करने वाले थे, रात के 7:30 बजे हमें एक सूप मिला था, सूप समझते हैं ना, मैगी को अगर हटा दोगे पानी में उबाल के, जो बचता है वही सूप हमारे लिए, तो उसमें लहसुन कूट के डाल दो, तो हमारा वो सूप था। तो वो एक कप मिला था हमें, और वो सूप पीते हम इतने एनर्जेटिक हो गए थे कि सारा ठंड दिमाग से निकल गया था, क्योंकि जो रॉकीला पत्थर था अब वो बर्फ, स्नो, लैंडस्लाइड चेंज हो गया था, सब कुछ वेदर पे डिपेंड हो जाता है जैसे जैसे हाइट में जाते हैं। और जर्नी स्टार्ट हो गई थी, 7:30 बज रहा था, मौसम बहुत ख़राब था, कलकत्ता की टीम थी 5 जेंट्स की, और फॉरेन के कुछ जेंट्स की टीम थी 5। मैं देख रही हूँ कि वो लोग गिव अप करके आ रहे हैं, क्योंकि वेदर ऊपर साफ नहीं था, वो लोग नहीं जा पाते, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है या बिजली तेज कड़कती है तो हम लोग बाहर नहीं निकलते ना, ऐसे माउंटेन में इससे भयानक होता है, क्योंकि हम यहाँ से बहुत डिस्टेंस देख रहे हैं, और जब पहाड़ों में होते तो बादल हमारे पैर के नीचे होता है। तो वही बात है कि हम जब वहाँ पे थे तो वैसे ही चीज़ें हो रही थी, और उन्होंने गिव अप किया और नीचे वो कैंप की तरफ लौटे, फॉरेनर्स भी लौट गए। तो हम 8 बज रहा था और सब ठिठुर रहे थे ठंड से, क्योंकि हम कंटिन्यू जर्नी हमारी चल रही थी, मतलब चलना इन द सेंस नॉट अ गाड़ी बाइक साइकिल नहीं होता वहाँ पे, सिर्फ आपके पैर होते हैं। चलते चलते हम काफ़ी तक, 12 घंटा अगर इंसान चल लिया है पहाड़ों पे तो उसकी हालत क्या होगी बिना खाए पिए, और ऊपर से लास्ट में वो सूप मिल रहा है, बस मरे मुर्दे में पानी फेंक दिया टाइप का था। तो हमने सोचा कि आज की जर्नी शायद यही ख़त्म करनी पड़ेगी, लेकिन मैम ने मेरे पास आके एक क्वेश्चन किया कि आगे का क्या करना है नैना, आपका क्या ख्याल है? मैंने बोला मैम आर हो या पैर, ऊपर ही जाना है। तो वो मेरा बचपना था, लड़कपन था, मुझे ये नहीं मालूम था कि ऊपर कुछ भी हो सकता था। और हम निकल पड़े, जो 12 वुमेंस की टीम थी, ठिठुरते हुए निकल पड़े। काफ़ी सारे केसेस हुए, वो केसेस बताऊंगी तो जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी, मेरी स्टोरी लंबी हो जाएगी। तो वैसे करके वो सबमिट किया, सबमिट करने के बाद जब हम सुबह के 4 बजे डाउन आ रहे थे तो हाफ पोजिशन पे थे, और वही जो फॉरेनर्स जो पीछे गिव अप करके गए थे, वो उसी फुटप्रिंट जो होता है हमारे पैरों की, जो छाप छूट जाती है, बर्फ में चलते हैं रेत में चलते हैं देखा होगा, तो वो छाप को फॉलो करके वो ऊपर की तरफ आते हैं। और सुबह हमें 9 बजे ऊपर मिले और एक सल्यूट किया और बोले कि इंडियन वुमेन का पावर जो है ना वो कोई नहीं देख सकता है, सल्यूट। तो ये है हमारी इंडियन वुमेन की पावर। वैसे ही मैंने 2012 में मैम के थ्रू कोर्स किया, फिर दार्जिलिंग के हिमालय में, सिक्किम हिमालय, फिर 2013 में नेपाल अराउंड अन्नपूर्णा कंप्लीट किया, मैम के साथ ही किया।
तो कंटिन्यू। सबसे अच्छी चीज देखना मेरी कि मैंने थर्ड क्लास के बाद से क्या क्या किया, और वही जर्नी मेरी आज भी कंटिन्यू बनी हुई है। तो वैसे ही करते करते फिर 2015 में मुझे ब्रेक लेना पड़ा। ब्रेक इसलिए क्योंकि 2015 में आप लोगों ने सुना होगा कि अर्थक्वेक आया था जिसमें नेपाल से 5000 पर्वतारोही मर चुके थे, और मैं उस समय सिक्किम हिमालय पार्ट में थी। और वो जो समय था, मतलब मेरी मम्मी है ना, जस्ट लाइक डेड बॉडी की तरह पड़ी थी यहाँ पे। जब उनको पता चला कि देख रहे हैं न्यूज़ पे कि हमारी बेटी गई तो है, अरे उसको भी डेड बॉडी में निकाल रहा, उसको भी डेड बॉडी में, तो वो डेड बॉडी देख के मेरी मम्मी ने बस एक लड़की का फेस देखा, नोज पिन छोटा सा यूं नाक में, बस वही दिखा था। और वो एक सदमे में पड़ी हुई थी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक बच्ची और एक माँ का जो रिलेशन होता ना, वो कोई नहीं समझ सकता। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मैंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया भेज के, अब मैं किसको क्या जवाब, मतलब उनकी सोच थी होगी। और वो समय ऐसा था जब हम सबमिट के लिए निकले थे और वो एवलांच आया, अर्थक्वेक आया, उसका झटका इतना था कि हम इतने बर्फ में दबे थे, मतलब हम पैर कैसे उठाएं, समझ ही नहीं आ रहा था कि पैर कैसे उठाएं, कि पैर कितना उठाएं। तो हम क्या करते हैं, सामने हम फावड़ा होता है, जैसे यहाँ का फावड़ा होता है रापा, वो फावड़ा अलग होता है, सेम वैसे ही होता है, तो उसे हम करके रोड बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, पर ऐसे चलते हैं। पर कितना साफ करोगे, आपको हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना, वहाँ पेड़ है ना पौधे, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। तो ये चीज़ें क्या होती है मेंटली, इसलिए आपको कोर्सेज करनी होती है, कोर्स में वो सबको सिखाया जाता है। तो वो करके जैसे हम नीचे वाले कैंप में उठे थे, तो देखा एक छोटा सा हर्ट था लकड़ी का, उस पर भी बिजली गिर गई थी और वो दो टुकड़े से हो चुका था। हम रहते कहाँ, जहाँ हमने 3 दिन का सफ़र कंटिन्यू चढ़ा था, वो एक दिन में सीधा नीचे आके फ़ोन करते हैं मम्मी को कि हम लोग स्वस्थ हैं। ऐसे कई मेरे साथ साथी थे, पूरे इंडिया से थे, अलग अलग जगह के, हर क्षेत्र के मेरे साथी थे माउंटेन में। तो सबसे अच्छा मुद्दा ये था कि किसी ने तो उसके घर पे क्या कहते, क्रियाकर्म नहीं होता जो मर जाने के बाद जो होता है, उन्होंने वो भी कर दिया था। जब वो लड़का जाता है अपने घर को, जैसे मैं जिंदा बच के आ गई, तो लोग उसे भूत भी समझने बैठ गए थे। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो ये मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई, मेरी मम्मी ने 2015 में देखा कि ऐसा सा होता भी है, और 16 में मुझे मना कर दिया, बोले कि अब नहीं, जो भी करना है यहीं रह के करो, माउंटेन्स को छोड़ना होगा। मैंने गिव अप किया, मम्मी की बात समर्पण में लिया, और मैं स्कूल ज्वाइन कर ली एज अ स्पोर्ट टीचर, और बच्चों को फिर स्कूल में गेम सिखाने लगी। हर एक टाइप के गेम खेलती हूँ मैं, तो नॉलेज है और स्टडी भी मेरी वैसी है। तो मैंने गेम स्टार्ट किया, साल भर मैंने सोया नहीं, साल भर मैंने खाया नहीं, मतलब खाना के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं, पर लेकिन जो जुनूनी होता है ना, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो मेरी मम्मी देखती ये 2 रोटी में संतुष्टि कैसे होती है, और रात रात भर जाग के करती क्या है। तो एक दिन मेरी मम्मी मेरे रूम पे आती है और देखती है और कहती है कि कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है। तो मैंने मम्मी को स्माइल देके कहा, नहीं मम्मी ठीक है, मुझे नींद नहीं आ रहा, अभी तो सो के उठी थी। पर उनको ये नहीं पता कि दिन भर में मैं सिर्फ 2 घंटा सो रही हूँ, और वो 2 रोटी खा रही 24 घंटे में। तो वो चीज़ें मेरे जीवन में आ गया था कि मैं उसके बिना रह नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे कुछ अलग करना था और वो कीड़ा मेरे अंदर था। 16 मैंने नहीं किया, 17 में मैंने उछाल मारा, भागीरथी 2 उत्तराखंड में माउंटेन्स है, 6512 मीटर का है, पुलिस प्रशासन की ब्रांड एम्बेसिडर रही हूँ मैं जगदलपुर की, उन्होंने मुझे फंड किया। जो ब्रांड एम्बेसिडर होता है ना, वो यूनिक चीज़ होता है, और जब प्रशासन से मिलता है वो बहुत यूनिक चीज़ होता है। जैसे कि अभी आप लोगों के सामने मैं खड़ी हूँ, तो एक बोलता हुआ पुतला लग रही हूँ, लेकिन आप लोग अगर मुझसे सीख लिया ना, आज जिंदगी में आप एक ही लाइन पकड़ लोगे बेटा, सच कह रही हूँ मैं, आप सभी के लिए कह रही हूँ, हमारी माताएं बहनें भी हैं, ताकि वो बच्चों को ले देखें करें, जानना चाहूँगी मैं कि वो इस चीज़ों को समझें। तो 2017 में मैंने ये किया, फिर 18 में मैंने, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बेटियों के साथ ये होता, बेटियों के साथ वो होता, मैंने ये सोचा कि क्यों होता है। तो फिर मैंने साइकिल से माउंटेन में जाने की प्लानिंग कर ली। तो मनाली से खाडुंगला, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है खाडुंगला, मैं और मेरी फ्रेंड हरियाणा से है, बिल्कुल हाइट से इतनी है। तो हम दोनों निकल पड़े, घर पे बताया कि पहाड़ पे जा रहे हैं, क्योंकि अगर साइकिल बोलते तो हमें जाने नहीं देते, पहाड़ के लिए अभी पूरी छूट है, कहीं पे भी जा सकते, पहाड़ में जाना मतलब जाओ। तो हम निकल पड़े साइकिल से 6000 मीटर पे जाना, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास। सब लोगों ने हमें मना किया कि आप लोग पागल हो क्या, 2 लोग निकले हो, 2 लड़कियां हैं, कितना बड़ा बड़ा घाट है, चढ़ लोगे क्या, साइकिल चढ़ा लोगे क्या। हमने कहा हाँ ट्राई करके देखेंगे, नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे। जिस
ट्रैक को चलाने के लिए लोगों को 11 से 12 दिन 13 दिन का रिकॉर्ड बनाया है लोगों ने, हमने 9 दिन में वो सबमिट कर लिया। साथ ही हम लद्दाख पहुंच चुके थे और लद्दाख की दो ऊंची चोटी, जो एक चोटी 18 दिन 20 दिन की होती है, 3 दिन में 2 चोटी हमने फतह कर लिया। बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे उत्साह के लिए ताली बजाते हैं। हम जब पहाड़ों पे होते तो हमें कोई ताली नहीं बजा सकता, हमें कोई सुन नहीं सकता, हमें कोई देख नहीं सकता, तकलीफ बहुत होती है, और वही खुशी हम यहाँ देखने आ जाते हैं कि भगवान बोलते हैं जाओ नीचे, तुम्हारे लिए ताली बजाने वाला बैठा है। उसी तरीके से आया समय नहीं बीता था, IMF इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन दिल्ली में है, उसके थ्रू हम दोनों का सिलेक्शन हो गया था, मैं और मेरी फ्रेंड। कुछ अलग करेंगे और कुछ यूनिक करेंगे, क्योंकि उसकी भी सोच मेरे से बहुत मिलती है, काफ़ी कम लोग होते हैं दो व्यक्ति की विचार एक जैसी होती है, तो वो भी हरियाणा से थी और मैं बस्तर से थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो करके देखते हैं होगा, तो हम लोगों ने एक प्लानिंग किया था, पर सडनली उसकी शादी हो गई, और शादी भी ज़रूरी है गर्ल्स के लिए, एक एज होता है, उसके बाद पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि बेटी का हाथ पीला कर दे तो बहुत अच्छा होगा, तो उसके तो पीले होगा, मैं बच गई और मैं सीधा भाग गई पहाड़ की तरफ। तो शादी उसका ख़त्म किया और मैं अपना बैग उठाई और चल पड़ी एवरेस्ट बेस कैंप अकेले। तो एवरेस्ट बेस कैंप की जर्नी, जहाँ मुझे ये नहीं पता उस रास्ते में मुझे खाने को क्या मिलेगा और रहने को क्या मिलेगा, कुछ लोग मिलेंगे भी या नहीं ये भी मुझे आइडिया नहीं था। अदर सिचुएशन में मैं निकल गई थी, ना मौसम का पता था ना कुछ नहीं, जैसे तैसे मैं बस से दिल्ली से ट्रेन था मेरा, हरियाणा से ट्रेन था दिल्ली का, दिल्ली से मैं बस ली और मैं पहुंच गई गोरखपुर, गोरखपुर से मैं बॉर्डर पहुंच गई थी, सुनौली बॉर्डर। तो वाराणसी, गोरखपुर और सुनौली मैं बैग उठती फिर चढ़ती फिर रखती फिर चढ़ती, रात दिन सुबह शाम कुछ समझ नहीं था, और मेरी जर्नी हो गई थी बेस कैंप की, क्योंकि मुझे कुछ करना था जो लोग नहीं देख रहे थे, मतलब तकलीफ हो रहा था अंदर से कि मैं क्या करूं, और मैं बेस कैंप के लिए निकली थी, जो जर्नी था लोग मुझे ऐसे देखते थे, ये क्या लड़की है यार, कैसे कपड़ा पहनी है और क्या उठा के इतना बैग को क्या पत्थर भर के रखे, मेरे बैग जो भी उठा था यही कहता कि इसके अंदर वो मगरमच्छ तो नहीं है, पत्थर उत्थर तो नहीं लेके आए, अभी तो मुझे सब एवरेस्टर करके छेड़ देते हैं, वो बात अलग है, पहले पत्थर बोलते थे। तो मैं वो लेके गई और जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, उस सफ़र में गिन के मुझे 5-6 लोग मिले होंगे, मतलब सी लेवल से 5364 मीटर के हाइट पर मैं अकेली गई, और ये जो सफ़र के लिए काफ़ी लोग कहेंगे ना कि खाने के लिए नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा तो भटक जाएंगे, मैं जैसे चढ़ती पहाड़ पे दिखता था पूरा रास्ता, अरे ये रास्ता चाहिए थी, नीचे उतरती मुझे रास्ते का पता ही नहीं था, मैं कौन से रास्ते में जाऊंगी ये पता नहीं था, ना दिन का पता था ना रात का पता था, ऐसे तैसे करके बेस कैंप पहुंची, बेस कैंप में एक फ़ोटो क्लिक करना था मुझे हमारे इंडियन फ्लैग के साथ, और जब सबमिट किया मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि उस समय में सिर्फ दिवाली में जो नाश्ता बनता है ना, जैसे पोहा है या नमकीन है, बस वो लेके मैं चली थी, ना कोई रेस्टोरेंट था, ना खाने के लिए, ना दाल चावल था, ना कुछ नहीं था। जैसे हम पहाड़ में जाते हैं, ये जो पानी की बोतल है 20 रुपये की, ये 500 रुपये में मिलता है, और जो दाल चावल यहाँ पे अगर 20 रुपये का मिलता है तो वो 500 रुपये से ज़्यादा का मिलता है, वही क्वान्टिटी, एक बाउल की क्वान्टिटी होती है, कटोरी जो होती है, तो ये चीज़ें महंगी हो जाती है। और जब मैं आई तो एक अलग सा लोगों के नज़र में मेरी चमक थी, और उस चमक को मैं बढ़ाना चाहती थी, मतलब एक ज्योति तो जला दी थी, अब उसका उजाला बाकी था। उसी तरीके से मैंने बस्तर कलेक्टर, हमारे जगदलपुर से रजत बंसल सर हैं, उनके सामने एक लेटर किया पेश कि मुझे ये करना है सर, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए भी मैंने तपस्या किया, सर मुझे ऑब्जर्वेशन में रखे थे जब से जब जगदलपुर से आए थे, और फिर उन्होंने बोला कि ठीक देखते हैं, जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपका कंटिन्यू कोई ना कोई होता है देखने वाला, और आपका दिखता है, आपकी छवि दिखती है। NMDC के थ्रू मेरा ये फंडिंग हुआ था, जो माउंट एवरेस्ट के लिए मुझे जाना था, विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8848.86 मीटर है, जो अभी इस साल 21 में हुई है, मुझे एवरेस्ट के लिए जाना था, और मैं ये सबमिट के लिए निकल चुकी थी। सेम जर्नी, मैं बहुत कंजूस हूँ कि मुझे फ़्लाइट नहीं करना था, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता, 35 किलो का बैग अलग से, और फिर 35 किलो का बैग अलग, 70 किलो का बैग का पैसा कौन देगा करके, मैंने फिर से वही सफ़र किया बसों में, और वही सुनौली बॉर्डर होते हुए मैं ऊपर की तरफ गई, और सेम मेरा रूटिंग था कि बेस कैंप तक जाना है, फिर कुंभू ग्लेशियर, बेस कैंप
5,364 मीटर का है, उसके ऊपर कुंभू ग्लेशियर है, कैम वन है, कैम टू है, कैम थ्री है और सबमिट है। तो पांच कैंप अटेंड करना होता है। इस पांच कैंप को अटेंड करने के लिए अच्छे अच्छे जो क्लाइंबर होते हैं ना, वो भी मात खा जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं थी वहाँ पे, मेरे मन में कुछ भी नहीं था, मुझे बस एक था कि मुझे सबमिट करना है, उस चोटी पे खड़े होना है, मेरे पैर रखने हैं और भारत का झंडा फहराना है। जिस तरीके से मैं उस ग्लेशियर से खेला, ट्रेनिंग लिया, फिर ऊपर की तरफ गई, कुंभू ग्लेशियर इतना खतरनाक ग्लेशियर है, बड़े बड़े चट्टान होते हैं, बर्फ के टुकड़े होते हैं, जो एक बर्फ का हवा आता है और बस पलट जाता है। मतलब समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ खड़ी थी, मैं दिखूंगी भी कि नहीं, ये भी नहीं पता। मतलब आप अपने जीवन को अपने हाथ पे लेके चल रहे हैं। माउंटेन्स, पहाड़ी जो है वो इतना खतरनाक होता है कि हमें कभी भी अपने को अपने गोद में ले लेगा, मतलब हमारी डेड बॉडी भी हमारे घर नहीं पहुँचेगी। तो वो सिचुएशन काफ़ी टाइम हुआ, तो हम पहले प्रैक्टिस जोन में होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन होता नहीं है, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी कैरी करना होता है, आपके खाने का भी कैरी करना होता है, आपका क्लोथिंग भी, और सबसे बड़ा चीज़ होता है हमारा जूता, जो माउंटेन में हम यूज़ करते हैं, वो जूता का जो अगर वेट देखोगे तो 5 किलो का होता है, और उसके नीचे होते हैं कांटे, नुकीलेदार एक जोड़ी होता है उसका, उसे क्रैम्पॉन्स कहते हैं, वो 1.5 किलो का होता है, और जो हमारी ऊपर जंप सूट होती है वो हमारी पूरी फैदर से बनी होती है, वो 5 किलो की होती है। मैंने 5 किलो का ये पहना, 5 किलो का जूता, 1.5 किलो का वो क्रैम्पॉन्स पहन लिया, ग्लव्स पहन लिया, ठीक है, पूरे ऊपर से नीचे जब हम ढक जाते हैं तो हमारा वेट ही बढ़ जाता है, और वेट के साथ एक रस्सी होती है, उस रस्सी पे हमें सेफ्टी के साथ चलना होता है, और हम अगर 50 लोग ऊपर चढ़ रहे हैं तो उसी रस्सी से चढ़ेंगे, और 50 लोग नीचे आ रहे हैं उसी टाइम पे, तो वो 50 लोग उसी रस्सी से आएंगे। एक ही रूट होता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, एक ही ट्रैक होता है, कोई दूसरा ट्रैक नहीं होता माउंटेन्स में। तो जब हम एक जगह पे खड़े हो जाते हैं कि हम 5 मिनट के लिए थक गए हैं, रुक जाते हैं, आपकी बॉडी इतनी सुन हो जाएगी, ये आपको लकवा मार लेगा, आपको टीवी हो जाएगी, आपको पता नहीं क्या क्या बीमारी हो जाएगी सिर्फ 5 मिनट के रहने से। तो मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई, तो मैं जब कुंभू ग्लेशियर खेला, फर्स्ट टाइम जब हम कोई नया काम करते तो बहुत उत्सुक होते, बहुत मज़ा आता है, और सेकेंड टाइम में वही काम करना, वैसे इच्छा मर जाती, बोलते यार फिर से वही रास्ता देखना है। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई, सेकेंड अटैम्प्ट किया, जो पहला बार मुझे पहाड़ पे जाना था तो ऐसा लगा कि हाँ आज मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी में होंगी। तो 12 मई की हम लोग रात के 12 बजे स्टार्ट करते थे, सुबह रात भर चलते थे, सुबह चलते थे, दोपहर चलते थे, तब शाम के कैंप पहुंचता था। मतलब आप सोचिए कि 18-18, 20-20 घंटा हमको कंटिन्यू चलना होता था, उसमें खाना पीना सब आपका, ऑक्सीजन का सिलेंडर आपका, और चलते चलते कैंप वन मिलता था, कैंप टू जाने के लिए फिर वही 10-12 घंटे। ऐसा लगता था जैसे ये सहारा का मरुस्थल होता है ना, वैसे वो ग्लेशियर का मरुस्थल। मैं तो अपने मन में ही होती थी, ग्लेशियर का मरुस्थल में कहाँ आ गई मैं, जो मेरी चोटी नहीं आ रही। तो कठिनाइयाँ आपके लाइफ में आएगी, तभी आपके पास सक्सेस आएगा बेटा। सक्सेस खुद से चल के कभी नहीं आएगा, सक्सेस को कहते हैं ना कि ऐसा करो कि वो तब आएगा। तो वही चीज़ें मैंने 3 अटैम्प्ट कर लिया। पहला अटैम्प्ट में जब पहुंचना था तो देख रही हूँ मैं खड़ी हूँ, और मैं पूछ रही हूँ लोगों से, भाई ये एवरेस्ट कहाँ है यार, थक गई मैं। तो भाई बोलते ये तो खड़ा है एवरेस्ट, तो बाजू में एवरेस्ट है, मैं भाई से पूछ रही हूँ कि एवरेस्ट कहाँ है। तो वही चीज़ें हैं कि वो जब मैंने ये पूछा, उसके कुछ घंटे बाद एक इतना गंदा तूफान आया कि हमको ऊपर आगे आने ही नहीं दिया, और हम वहाँ से गिव अप, जैसे हम इस ये ट्रैक क्या कहते हैं, ये छत के ऊपर खड़े हैं और यहीं से हमें नीचे ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिला, हम नीचे आ गए। उस सिचुएशन में फील हुआ कि शायद मैं, मेरे मन में कोई विचार आया, और वो सक्सेस हमारे लिए अच्छा नहीं होता, अगर शायद मेरे लिए अच्छा नहीं होता, स्पेशली मेरे लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर बिना मेहनत के अगर सक्सेस मिल जाता है तो लोगों में ईगो, एटीट्यूड और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ ही जाती है, और मेहनत करके आती है ना, तो एक स्माइल बहुत अच्छे से आता है, तो वो बहुत कीमती है। उस दिन हमें सक्सेस नहीं मिला और हम नीचे आ गए, पर फिर भी मेरे दो साथियों ने कुछ कदम आगे ही बढ़े थे और उनकी डेथ हो गई, जिससे हमने सुबह बोला था भाई कैसे हो, अच्छा आओ ना, आओ ना, आप भी आ गया, जाओ चलो चलो ऊपर मिलते हैं, और पता चला कि उनकी डेड बॉडी ऊपर पड़ी है। हम कैंप टू में थे 6,400 मीटर में, यहाँ से कुछ हो रहा था अंदर से। वो गम नहीं था कि हम कैंप छोड़ के नीचे आ गए थे, गम ये था कि हमारे दो साथी हमारे साथ नहीं रहे और उन्हें हम देख भी नहीं पाए, क्योंकि वो तो ऊपर पड़े थे, हम नीचे आ गए। एक हफ्ता तक मैं 6,400 मीटर में नहीं, बेस कैंप में आ गई थी, फिर उसके बाद डिसीज़न लिया कि एवरेस्ट का रूट ओपन नहीं हो रहा है, तो मुझे कुछ ऑप्शन दिया गया,
क्या करना चाहिए? मैंने बोला कि मैं दूसरा पिक करना चाहती हूँ जो विश्व की चौथी ऊंची चोटी है, माउंट लॉस्ट है। जैसे हमारे हाथ के ये पांच उंगलियां हैं, वैसे हिमालय के भी 7-8 बहनें हैं, 14 बहनें हैं, 18 बहनें हैं, तो ये डिवाइडेड है। तो कुछ नेपाल में है, कुछ इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में है, जो सबसे हाईएस्ट की होती हैं। अगर किसी को भी पूछा जाए हिमालय तो बोलेगा एवरेस्ट, सब यही कहेंगे ना। लेकिन उसके भी भाई बहन, उसकी भी फैमिली होती है, जैसे हमारी फैमिली होती है। तो मैंने वो चौथी ऊंची पिक करने के लिए तैयार हो गई। अगर मिल जाएगा चांस तो मैं एवरेस्ट भी चली जाऊंगी, पहले ये कर लेती हूँ। तो फिर मैंने हाँ नहीं में वो कदम उठा लिया। तो उस सबमिट के टाइम में ऐसा हुआ कि सेम बेस कैंप से कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, कैंप 4 से रूट हमारा चेंज होता है। जैसे इधर पे जाना है लॉस से तो इधर पे जाना है एवरेस्ट। और जब मैं सबमिट के लिए निकली थी, रात के 11 बज रहे थे, सबमिट के लिए हम लोग निकले, एक छोटा सा टॉर्च हमारे ऊपर में होता है, हेड टॉर्च कहते हैं, और सेम गेटअप जो जूता और वो कपड़े जो बताया था, साथ में हमारा कुछ कुकीज़ होती है, चॉकलेट्स होती है, हाई एल्टीट्यूड फूड्स होती है हमारे पास, एनर्जी बार होता है, एनर्जी चॉकलेट होती है, कुछ नहीं होता खाने के लिए, पानी के अलावा कुछ नहीं होता। अभी गर्म पानी आपको खुद बर्फ से काट के पिघालना पड़ता है, तब आप पानी बना सकते हैं, वो पानी आप पियेंगे ना। वहाँ नहा सकते हैं ना, वहाँ कुछ कर सकते वाला सिस्टम है। तो ये चीज़ें सब कुछ हैंडल करना होता है। तो हम जब चोटी के लिए निकले माउंट लॉस से, पता चला वो लॉस से पिक एक डेड बॉडी पड़ी थी, और आई फील ना कि ये तो डमी है, कोई डराने के लिए रखता ना डमी सा। मैंने चोटी सबमिट किया, बाद में देख लेंगे। तो जो सबसे पहले था माउंट लॉस से में, मैंने भारत का तिरंगा फहराया, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का झंडा लहराया, स्वामी विवेकानंद जी का झंडा लहराया, श्री राम जी का झंडा लहराया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झंडा लहराया, और साथ में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये पूरा गीत वहां गाया। उसी के साथ ये मेरी जर्नी वहां के स्टार्ट करने के पहले खत्म होने वाली थी, क्योंकि मुझे तो एवरेस्ट के लिए जाना था, एवरेस्ट का रूट ओपन हो गया था। और मुझे, मैंने जिसके थ्रू मैं गई थी उनसे मैंने कहा कि भाई मुझे ये सबमिट करनी है, और उन्होंने मुझे बोला तो पागल हो क्या कि 8000 मीटर की चोटी आपने कर लिया, 8516 मीटर की ये चोटी थी, आपने सबमिट कर लिया है विश्व की ऊंची चोटी, और आप फिर भी अभी मन में वो बिठा के रखे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना है, मुझे ये पता है कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। तो वो मेरी जो जिद थी वापस, उन्होंने मुझे कहा कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है, एक ही ऑक्सीजन मेरे पास था सिलेंडर, वो भी हाफ हो चुका था, और मुझे वापस आना था। ऊपर जाती तो शायद मैं भी नहीं आती, क्योंकि सिलेंडर इनफ था ऑक्सीजन का, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे, ऑक्सीजन नहीं होता, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होता। तो हम नीचे की तरफ आए, 6400 मीटर में मैं रुक गई, मेरी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। मैंने कहा कि मैं नीचे नहीं जाऊँगी, इसके नीचे मैं नहीं जाऊँगी, आप ऑक्सीजन लाइए, मैं ऊपर की तरफ ही मूव करूँगी। और उन्होंने मुझे कहा ढीठ पागल कैसी लड़की हो तुम, मैंने तुम जैसी लड़की कहीं नहीं देखा। मैंने अपना एक्सपीरियंस वो बोलने लगे कि अपने जीवन काल में ऐसी लड़की नहीं देखा जो एक इतनी बड़ी चुनौती वाली सबमिट कर ली है, खुशी ले ली अपने हाथ में, और फिर भी वो जिद कर रही कि मुझे दूसरी खुशी चाहिए और पागलपन दिखा रही है। मैंने कहा दाई वो आप नहीं समझोगे क्योंकि मेरी जिद क्या है, मुझे बस एवरेस्ट करना है। वो मुझे बोले वापस आओगी नीचे या नहीं, मैंने कहा नहीं। उन्होंने मुझे छोड़ के नीचे की तरफ आ गए, और मैं अकेली लड़की 6400 मीटर में, दूसरा एक टीम था, पूरे जेंट्स का टीम था, तो मैं उनके साथ खाना खाती थी, टाई अप टीम था, और फिर मैं अपने टेंट में आती थी। एक दिन देखा, दो दिन देखा, उन्होंने 1 वीक मुझे छोड़ दिया अकेले, वो वापस नहीं आए मुझे लेने। और मैं भी रोज़ सुबह देखती कि एवरेस्ट का मौसम अब खुलेगा, तब खुलेगा, मेरा ऑक्सीजन ऊपर आ जाता तो शायद मैं ऊपर चली जाती। वो नीचे से वॉकी टॉकी से कहते कि उस लड़की को समझाओ नीचे भेज दो, दूसरे टीम के पास फ़ोन करके कहते, वॉकी टॉकी होती है वहाँ पे, वायरलेस सेट होता है जो कम समय में आपसे कॉन्टेक्ट हो ही जाता है। तो मैं कहती कि नहीं मुझे नीचे नहीं जाना, अगर मैं नीचे जाऊंगी तो एवरेस्ट सबमिट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वही सिचुएशन मुझे दोहराना पड़ेगा और मुझे सबमिट करना है। 28 मई के रात के अवलांच आता है, हम रात के 11 बजे सो रहे थे, अवलांच ऐसा होता है, बर्फ का तूफान होता है, सड से आता है और हम दब जाते हैं। हम टेंट में सोए और हम दबे पड़े हैं, इवन मैं भी दबी थी, मुझे भी नहीं पता कि वो अवलांच कैसा था। जिस तरीके से वो मेरे सीने में अटैक किया और मुझे पूरा ढक दिया, पूरा बर्फ में ढक दिया, इतना बर्फ का लेयर होता है, हमारा टेंट इतना होता है, वो दबा दिया, जो टेंट का स्टिक होता है वो मेरे सीने तक आ गया था। और मुझे ऐसा लगा मम्मा अब मैं वापस नहीं आ पाऊँगी, शायद यही मेरा लास्ट सबमिट है, यही मेरा कर्म है, यही मेरा सब कुछ है। बस उम्मीद ऐसा था कि मुझे सबमिट वहाँ करना था और मैं यहाँ मरने वाली हूँ। उसके पीछे एक विंड तेज ऐसा चला, वो पूरा
स्नो उड़ा के ले गया, मेरी टेंट जैसे कि वैसी खड़ी हो गई। लेकिन जो आगे वाली टीम थी, काफ़ी लोग दबे थे, काफ़ी लोगों का टेंट टूट गया, हमारा ऊपर का सिलेंडर चला गया, मतलब बहुत सारे नुकसान हुए। और तब भी मेरी जिद थी, दूसरे दिन सब लोग उठे और फ्रेश हुए, सब लोग बचे, सब सेफ थे। सामान नुकसान हुआ हुआ लेकिन हम जिंदा थे, वो काफ़ी हमारे लिए चुनौती था। 29 मई को सुबह देखें, काफ़ी लोग गिव अप कर दिए, बोले कि हम नहीं जाएंगे, कि भगवान हमें बता रहा है कि चुनौती दे दिया है कि ऊपर मत आइए। और मैंने कहा कि नहीं, हमें ऊपर जाना चाहिए। एक कैप्टन सर थे एमपी से, एजेड थे, 55-57 ईयर के थे। वो कहते थे बेटा चाहे कुछ भी हो जाए आपको एवरेस्ट करना है। और मैं भी कहती थी सर आपको भी करना, हम साथ में निकले थे। तो आपके अंदर जुनून डालने वाला कोई नहीं था वहाँ पे, आपको उत्साह बढ़ाने वाला कोई नहीं था, आपके लिए क्लैप करने वाला कोई नहीं था, आपको सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन आप खुद ही थे उस टाइम पे। और ऊपर वाला प्रकृति आपकी शिद्दत देख रहा था कि आप कितना मेहनती। तो उसी तरीके से जब मुझे लगा कि नहीं मुझे करना ही है, 30 को मैंने नीचे फ़ोन किया कि मुझे ऑक्सीजन दिलवाइए, मैं ऊपर की तरफ बढ़ूंगी। और मेरा डिसीजन यही था, एवलांच काफ़ी आ गया, रोप काफ़ी टूट चुके थे, हम जिस रास्ते पे जाते रस्सी नहीं था, तो हमने तो डन कर लिया और आगे की तरफ निकल लिए, कन्विंस किया, निकले। 30 मई को जर्नी स्टार्ट हुई, 31 मई कैंप 3, कैंप 4 31 मई को थी मैं। कैंप 4 इज डेड जोन, डेड जोन का मतलब होता है कि वहाँ काफ़ी सारी लाशें पड़ी हुई है, और लाशें ऐसी कि वही जो दो लाश जो मेरे साथी मरे थे, जैसे मैं कैंप 4 में पैर रखे और मैंने डेड बॉडी देखा तो दिमाग का आधा हिस्सा घूम गया था। और मेरे साथी कोई थे, उन्होंने मुझे बोला ओए इनको देख के दिमाग में कुछ मत घुमाना, आगे में जाना कुछ चॉकलेट रखा है वो खा के पानी पी लेना, दिमाग ठंडा रख। मैंने कहा ठीक है, और बस ऐसे पैर लांघा है उस लाश से। और मन पे एक बहम आ रहा था कि हम नीचे होते तो बहुत सारे ऐसी विधाएं चलाते हैं ना, कि डेड बॉडी छू गया है, नहाए फिर ये करे, वहाँ पे ऐसी कोई विधा नहीं होती, हम ना रो सकते ना हंस सकते उस सिचुएशन में, और ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है, वो सो रहा है, हम उसको जगाएंगे तो उठ जाए, इतना ताज़ा, ना स्मेल है, ना गंध है, ना फूला हुआ, ना सड़ा हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बर्फ़ के बीच में होता है, एकदम फ्रेश। और उसके बाद रात के 8 बजे हम लोग को निकलना था 8000 मीटर के ऊपर की तरफ, और मुझे लगा कि रात के 2:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे तो फ़ोटो अच्छा नहीं आएगा, और हमारे पास कैमरा भी अच्छा नहीं था, एक हमारी मोबाइल थी बस, वही हमारा सहारा था, उसकी भी बैटरी बचाने के लिए बहुत समय लगता है। तो सबमिट के लिए जब मैं निकली, 3 स्टेप आता है एवरेस्ट के पहले, जब कैंप डेड जोन 8000 मीटर के ऊपर चलते हैं, 800 मीटर जो होता है ना वो बहुत डेंजरस होता है आपके लिए, उस 800 मीटर में एक एक कदम में आपकी जान निकल सकती है, कोई गारंटी और वारंटी नहीं है। तो जैसे मैंने कदम रखा और मैंने यही कहा कि चलो जैसे तैसे देखते हैं, सबमिट हो ही जाएगी, और मैं आगे की तरफ बढ़ी, तो रात के 2:30 बजे एक जगह प्लेटफॉर्म होता है इतना बड़ा, जिस पे हम काफ़ी लोग बैठ सकते हैं, सामान रख के थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, जिसमें पानी पी लिया, कुछ खा लिया एनर्जी के लिए, तो वहाँ पे वैसा रख सकते हैं। तो मैं पहुँची तो कुछ लाइट चल रही थी, मुझे लगा हे भगवान 2:30 बजे पहुँचा दिया। देखो उस मेरी उत्सुकता, मैं ये नहीं देख रही हूँ कि मैं ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़ी हूँ, और मैं ये कह रही हूँ कि 2:30 बजे पहुँचा दिया, अब मैं इनको बोलूँगी तो फोटो ही अच्छा नहीं, मैं नीचे जाके फोटो क्या दिखाऊँगी। तो मन में एक ऐसा व्यवहार आया, और कुछ देर बाद जब हम चलना स्टार्ट किए तो सुबह का 2:30 बजे, जो रात वाला 2:30 था वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे, चलते 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 सुबह का 4 बज गया था, पर वो एवरेज दिख नहीं रहा था मुझे। तो ये मेरी जर्नी थी। और जब हिलेरी स्टेप होती है आफ्टर रॉक ग्लेशियर बर्फ को तोड़ते हुए खड़ी चट्टान होती है, तो उस पर मैं कांटा कैसे चुभाती, जो पैरों के नीचे कांटा था क्रैम्पॉन्स था उसे कैसे चुभाती। और एक स्टेप मैं इधर जाती हूँ तो सीधा मैं चाइना बॉर्डर में चली जाऊंगी, एक स्टेप इधर जाती हूँ तो सीधा मैं नेपाल बॉर्डर में चली जाऊंगी, मतलब वो सिचुएशन एकदम मेड़ की तरह होता है और आप उस मेड़ पे लड़ रहे होते हैं। तो उसको पार करते आपको सबमिट के लिए जाना होता है। हिलेरी स्टेप इज वेरी डेंजरस स्टेप, वहाँ पे भी काफ़ी सारी डेड बॉडीज पड़ी है, उस झुलता हुआ डेड बॉडी के बीच में आपको पार होके अपने सबमिट के लिए जाना है। और जब मैं एक डेड बॉडी सामने पड़ा था, मेरा ये जो पैर है ना उसको देख के अब फील हो रहा था कि नैना देख ये तेरी मौत है। तो आई फील कि वाकई में ये मेरी मौत है क्या, मैं खुद से बातें कर रही थी उस सिचुएशन में, और जो मेरे साथ थे वो मेरे को कह रहे थे इस चीज़ों को इग्नोर करना, हाँ अब ठीक करना था। मेंटली मैं प्रिपेयर हूँ, फिजिकली मेरे पैर में झिझनाहट हो रही है, मुझे आगे जाना है, और मैं आगे की तरफ बढ़ी और सबमिट बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जब मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी, मैं यहाँ से भगवान से कहती थी कि जब भी मैं विश्व की सबसे ऊँची चोटी में होंगी तो मेरे 2 पैर होना चाहिए, वहाँ भीड़ नहीं होना चाहिए। और ऊपर वाले ने सही सिद्दत शायद मेरी सुनी, सिर्फ वहाँ 5 लोग थे टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे, जहाँ 50 लोग रह सकते थे,
मतलब 20 लोग तो मिनिमम खड़े हो सकते थे, वहां सिर्फ 5 लोग थे और सारे अदर कंट्री के थे और मैं ही अकेली इंडिया से थी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस तरीके से जब मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहला भगवान को, जो हमारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, मैंने उन्हें प्रणाम किया और फिर वही काम किया जो भारत का तिरंगा 2 मीटर का फैलाया। साथ में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का झंडा, स्वामी विवेकानंद जी का झंडा, श्री राम जी का फ्लैग और वही चीजें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस चोटी पे ऑक्सीजन नहीं होता, हम बाजू वाले से बात करने की हिम्मत नहीं रखते और उस चोटी पे सांस भरी पूरे सॉन्ग गाना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सॉन्ग फिर से मैंने गाया। तो ये मेरी जर्नी थी जो 2010 से चल के आज 2021 में पूरी हुई। काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आई, काफ़ी सारी दिक्कतें आईं, काफ़ी सारा, लेकिन आप लोगों को इसलिए सुनाया मैंने, मेरे अंदर एक चीज़ थी जो कंटिन्यूस करती रही, मैं कुछ ना कुछ करती रही और एक लक्ष्य को निर्धारित करती रही। अपना लक्ष्य बड़ा था, मैं वही लड़की थी जो आप लोगों की तरह नीचे बैठती थी, सबसे पीछे हुआ करती थी, कुछ भी काम बोले अरे मैं कर पाऊंगी या नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन करूंगी, काम मुझे चाहिए मैं करूंगी। तो वही लड़की थी जो हाइट से डरती थी और उसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी को नाप लिया, साथ ही विश्व की 2 ऊंची चोटी को साथ में नापने का, भारत का पहली महिला। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है मेरा, साथ ही श्री राम जी का झंडा मैंने वहां लेके गई, उसका भी, भारत का, भारत की पहली महिला, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत को मैंने इंडिया की पहली महिला जो उस माउंटेन पे गाया है, इन चीज़ों का रिकॉर्ड हो चुका है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं, उनको एक रास्ता चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़के बहुत सक्षम होते हैं, लड़के को बाइक दो तो बाइक जल्दी से सीख जाते हैं, लड़कियाँ नहीं सीखती। तो होता है कुछ चीज़ कमियाँ, तो उस कमी को पूरी करने के लिए आपको गिरना पड़ेगा। जब आप गिर के खुद से खड़े हो जाएंगे, आपको क्या लगता है कि मेरे को कोई सपोर्ट किया होगा या मेरे लिए कोई खड़ा होगा? तो खड़े भी हुए, लेकिन मैंने अधिकतर चीज़ें देखा कि भगवान ने 2 पैर तो दिए, एक खींचने के लिए दिया था, तो हमेशा लोग खींचते हैं ना, और मैंने एक स्ट्रांग रखा था कि मेरे को अपने से खड़े होना है, तो ये मेरा पैर था जो स्ट्रांग। आज मैंने एवरेस्ट और विश्व की 4थी ऊंची चोटी माउंट लॉस पर एक साथ सबमिट किया और भारत का रिकॉर्ड नाम करवाया। तो कैसा लगा आप सभी को? काफ़ी लोग तो उठ के चले गए, सोचे होंगे पता नहीं क्या क्या बोल रही है मैडम। तो मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा, मैं, अच्छा मेरी एजुकेशन ना, मैंने आफ्टर 12 BA ग्रेजुएशन किया, BPED अभी आफ्टर ग्रेजुएशन किया है, डबल डिग्री मैंने किया है, MA मास्टर ऑफ सोशल वर्क में किया है और MPED अभी मैंने अप्लाई किया है, LLB हाफ किया है क्योंकि LLB करने का बहुत शौक था, पता पढ़ने की जुनूनी हूँ, BCA PGD से कंपलसरी मेरी हो चुकी है। पढ़ाई, जैसे मैंने माउंटेन्स का क्रेज़ बताया उसी तरीक़े से पढ़ने का भी मेरा बहुत बड़ा क्रेज़ है, तो मैं पढ़ती भी हूँ और करती भी हूँ, समाज सेवा, समाज से जुड़ी हुई हूँ। कभी भी किसी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, रात के चाहे 12 बजे 2 बजे कोई फ़ोन करता है, मैं अवेलेबल होती हूँ। घर पे तो मैं बकायदा पहुँच जाती हूँ, माउंटेन्स में होती तो मैं अपनी माँ से भी बात नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं होता। तो कुछ चंद लाइन मैं जो लिखी हूँ मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगी, शायद ये लाइन मेरे लाइफ से जुड़ी है और आप में से सभी लोग से यही चाहूंगी कि ये लाइन अपने लाइफ में लाएं और पूरा करके दिखाएं। जिंदगी के सफर की राह में गमों के बेड़ियों को तोड़ना है, जिंदगी के सफर के राहों में गमों की बेड़ियों को तोड़ना है, हिम्मत की उड़ान लेकर अपने मंजिल तक पहुंचना है। कुछ पल दुनियादारी से निकलकर, कुछ पल दुनियादारी से निकलकर खुद के बारे में भी सोचना है, आए लाख तूफान जिंदगी में मुझे बस आगे बढ़ते रहना है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, और जब जिंदगी सरल हो जाए तो मजा कहाँ से आती है। कठिन जिंदगी में जो जीता है वही तो सिकंदर होता है। तो ये जो लाइफ है आपकी है, मैं हमेशा यही कहूँगी कि बेटी हो या बेटा, सबकी एक पर्सनल लाइफ है, पर ये सबसे
बड़ा काम होता है पेरेंट्स का कि उनमें भेदभाव नहीं करनी चाहिए, अगर वो भेदभाव करते हैं तो छोटा बड़ा हो ही जाता है, जैसे ये नाटक के थ्रू मैंने देखा। कुछ लाइन होती है कि हमें किसी चीज़ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, इश्क होता है, तो वो जो इश्क और प्यार मोहब्बत होता है वो आपके लिए ही होता है। अब उसका नज़रिया आपको बताना है कि आपने क्या किया, जैसे मैंने अपने लिए किया। इश्क ही तो है चाहे किसी से भी हो, इश्क ही तो है चाहे किसी से भी हो। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे पहाड़ों से हो गया, बस सुकून मिला। तो ये जो बातें हैं मैंने इसलिए आपको सुनाई, आजकल के युवा जो हैं अलग ट्रैक पे चलते हैं, एडवांस ट्रैक पे चलते हैं, डिजिटल ट्रैक पे चलते हैं, इन सब के साथ भी हमें समाज है, हमारी पीढ़ी है, हमारा देश है, हमारे पेरेंट्स है, ये सबको लेके चलना होता है। अगर हम चलाएं तो देश है, अगर हम चलाएं तो देश है, और हमें चलाना ही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा देश है। तो मुझे इतने देर तक आप सभी श्रोताओं ने सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस मंच को आपने, ओके सर, आपने मुझे दिया, NSS स्टाफ, NSS के मेरी सेविकाएं बहनें और साथी सर, गांव के सभी सदस्य भाई बहनें जो बैठे हैं, उन्होंने मुझे ये समय दिया, मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जाते जाते मैं आप सभी को भविष्य के लिए अच्छी ज्ञान तो दे दिया है, शायद आप लोग अटेंड करके अगर ले लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी एक पल के लिए सोचना, जिसमें आपको इंटरेस्ट है बेटा कभी रुकना नहीं। सिर्फ एक सरल लाइन, अच्छा लाइन आपके लिए होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अगर वो जुनून आप में है तो वो पक्का कर लोगे। अगर मुझे डॉक्टर बनना तो मैं डॉक्टर बन सकती थी, अगर मुझे पायलट बनना तो पायलट बन सकती थी। अभी तो सब कुछ प्रोवाइड है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे नैना सिंह धाकड़ के नाम से मिलेगा आप लोगों को मेरे बारे में बायोडाटा मिलेगा। मेरा यूट्यूब चैनल है माउंटेनर धाकड़, चाहूँगी कि आप सभी फॉलो करें जो मोबाइल चलाते हैं, और माउंटेनर धाकड़ के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो, कुछ चाहिए पूछने के लिए, तो आप बिल्कुल बेशक आप मुझे पूछेंगे, मैं आपको चाहे मैं 10 दिन बाद भी रिप्लाई करूँ, पर रिप्लाई सभी को ज़रूर करती हूँ मैं, क्योंकि वही लड़की है जो आज पीछे बैठती थी, जो आज मंच के सामने माइक लेके खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।